हेलो जी, तो चेक करिए गाइस, यहाँ पर निकल चुकी है बाबा जी की डोली और बोले। तो हम लोग पहुंच गए, यहाँ पर से डोली निकलेगी एंड यहाँ पर से मैं दिखाता हूँ भाई, काफी ज्यादा रस चल रहा है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सभी भाई लोगों ने पैक वैक कर लिए हैं और सभी लोग अपने टेंट वेंट भी पैक कर रहे हैं अब यहाँ पर से। तो काफी सारे भाई लोग यहाँ पर आए थे साइकिल में भी और अभी हाँ यहाँ से होने वाली यात्रा स्टार्ट। बट यार एक चीज कहना चाहूंगा आपको यार, यहाँ पर डोली यात्रा कम हो रही है, यूट्यूबर यात्रा ज्यादा हो रही है, क्योंकि यार इतने सारे व्लॉगर भरे पड़े हैं ना गाइज, क्या ही बताऊँ। तो अभी हम लोग वहाँ पर चलते हैं, बस देखते हैं, कुछ कार्यक्रम तो नहीं हो रहा है और इसके बाद आ जाएगी डोली यहाँ से फाटा से आपका गौरीकुंड तक। और गौरीकुंड में वहाँ पर देखेंगे भाई क्या रहता है और वहाँ पर गर्म पानी में तो नहाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग अपना पहले यहाँ पर टेंट वेंट पैक करते हैं, तब जाके मिलता आपसे। दोस्तों टेंट वेंट पैक करने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पर फाटे की मार्केट में और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वास्ता करने। बाकी यहाँ पर रह गए, यहाँ पर लगाया है भंडारा और भंडारे पे ही खाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर यार खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे करके खच्चरों को ले आया जा रहा है भाई ट्रैक में और जो लोग चल नहीं पाएंगे वो लोग इसी में चलेंगे भाई ऊपर को। तो यहाँ पर भंडारा लगा है दोस्तों फाटा में, तो भंडारे में खाते हैं यार मस्त करके। सो गाइस ये देखे हमें भंडारे में मिला प्यारा सा सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने टेंट के ओर, क्योंकि वहाँ पर बैठ के हैंगे मस्त करके। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बढ़िया करके व्यवस्था पूरी है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम आपको, ये भाई अपने कंधे में महादेव जी को लेके आ रहे हैं भाई। तो हम लोग तो जा रहे हैं अभी अपना ब्रेकफास्ट करने, हमारा टेंट कुछ आगे ही है और काफ़ी अच्छा लगा यार, यहाँ पर व्यवस्था पूरी है। बाकी महादेव जी की कृपा में बने रहे आप पे भी, काफ़ी मज़ा आ रहा भाई यहाँ पर ना, मतलब इतने सारे ब्लॉगर आ रहे हैं भाई, ब्लॉगरों की यात्रा लग रही है मेरे को काफ़ी ज़्यादा। बाकी श्रद्धालु तो बहुत है यार भाई, बहुत भीड़ है, अभी पता करा सोर्स लगा के, आगे गौरीकुंड में इससे ज़्यादा भीड़ है भाई। तो देखते हैं अभी क्या रहता है इस तार, बाकी मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पर। भाई जोरों की भूख लगी थी और ये देखो पहाड़ों की वादियों में और ये शानदार सा हमारा ब्रेकफास्ट, तो अभी ये खा रहे हैं यहाँ पर। और नज़ारे देखो ना गाइस, चेक करो यहाँ पर फाटा का, काफ़ी ऑसम व्यू है, मज़ा आ गया भाई। तो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए, यहाँ पर से डोली निकलेगी एंड यहाँ पर से मैं दिखाता हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा रस चल रहा है, बहुत तगड़ा, तो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ठीक है।
गाइस यहाँ पर निकल चुकी है बाबा जी की डोली और काफी शोर करके मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ भाई लोग, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफी बेहतरीन नजारा है। तो यहाँ पर सब फाटे से निकल चुकी है डोली एंड अभी हम लोग डोली यात्रा में ही है, ठीक है भाई। यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है, आगे आगे तक देखते रहिए होता है क्या। ठीक बोले 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 बम 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 तो फोन कर देना। भैया जी यार यहाँ पर से डोली तो स्टार्ट हो चुकी है एंड हम लोग भी हम पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं डोली को, बाकी काफी मजा आ रहा है भाई यहाँ पर। श्रद्धालु भी आप लोग देख ही रहोगे दोस्तों, तो काफी मजा आ रहा है भाई यहाँ पर ना, कहते राला बचा बड़ा है भाई। जी तो तुम्हारे भाई ने दिखाया भाई, यहाँ से डोली निकल चुकी है फाटक से आगे को गौरीकुंड की ओर एंड अभी हम लोग भी जाएंगे गौरीकुंड की ओर। बाकी थोड़ा बहुत सामान हमें जो लेना है वो लेना है अभी दोस्तों यहीं पर से, क्योंकि आगे हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर आगे से लेंगे तो वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा, तो इस वजह से मैं यहीं पर से सारा सामान लेने की सोच रहा हूँ। बाकी अभी ये थोड़ा सा रस चल रहा है, इनको थोड़ा आगे जाने देते हैं, अपना सामान वान लेते हैं, उसके बाद वापस से यात्रा को ज्वाइन करते हैं। तो आप लोगों को मजा तो आ ही रहा होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं ना भाई, दिल तो बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों, बिल्कुल गार्डन गार्डन, तो काफी मजा आ गया भाई यहाँ पर आगे ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक गाड़ी भी गिरी है भाई यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर यात्रा के दौरान मार्केट में आए थे और हमने एटीएम से पैसे वैसे भी निकाल लिए क्योंकि आगे यार क्या पता ना मिले हमें एटीएम, तो कैश तो चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है चप्पल भाई 120 रुपये की, क्योंकि यार यहाँ पर ना जूते पहन पहन के थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा हो रहा था पैरों में, मैं सोचा यार चप्पल उप्पल में ले लूँ तो थोड़ा सही सा फ्री हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। एंड अभी आगे चल रहे हैं हम लोग जी, अब हमारी बारी आ चुकी है जाने की, बाकी बैग वैग हमने सब लोग समेट लिया, आप लोग देख ही रहोगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी धन्नो लगी थी, तो धन्नो लगने के बाद हम लोग वहाँ को गए थे, तो अब हम चलते हैं भाई डोली को ज्वाइन करने। बाकी वेट बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा सामान हो रहा है, बहुत ही दिक्कत आ रही है यार। तो हे हेलो गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं आगे आपका फाटा से गौरीकुंड की ओर और यहाँ पर काफ़ी भक्तगण पैदल पैदल चल रहे हैं मस्त करके और हम लोग अपनी स्कूटी पे, बाकी हम लोग हल चल के जा रहे हैं भाई डोली के पीछे और डोली आगे निकल चुकी है हमसे क्योंकि हमें थोड़ा सा सामान लेना था यार मार्केट से। तो अब हम लोग डोली को फॉलो करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों और देखते हैं अभी कब मिलते हैं हमें डोली, और देखो यहाँ पर कैसे लोग जा रहे हैं भाई पैदल पैदल और यहाँ पर घोड़े खच्चर तो भरे पड़े हैं दोस्तों देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आधे लोग जो ट्रैक नहीं कर पाते हैं इन्हीं घोड़ों और खच्चरों में आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही राड़ा रप्पा हो रहा है और आधे से आधे लोग तो पैदल ही चल रहे देख रहे हो, ये मस्त हो रहा भाई नज़ारा देखो ना और रोडे देखो यहाँ की वाह। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर डोली रुकी है, हम थोड़ा सा आगे आए थे और यहाँ पर डोली रुकी है और यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जितने लोग भी पैदल यात्रा कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं यहाँ पर रुक के हल्का फुल्का कर सकते हैं। तो ये भाई कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की पैदल यात्रा। तो भैया क्या नाम है आपका? मदन सिंह। हैं? मदन सिंह। मदन सिंह कहाँ से हो? इधर आ गए। थोड़ा करते हम भी थोड़ा कर रहे हैं। कहाँ पे? यही बोलेंगे। तो ये पैदल यात्रा कहाँ से कहाँ तक कर लिया आपने अभी तक? ये यात्रा मैंने जाके सुल्तान यमुनोत्री गंगोत्री और केदारनाथ आया हूँ। मतलब चल ही रहा है? हाँ। तो कितना टाइम हो गया तुम्हें करते हुए? एक महीना 10-12 दिन हो गए। ओके बेस्ट ऑफ लक। जय बोले। तो यहाँ पर देखे भाई काफी भयंकर चल रहा है यहाँ पर सिलसिला एंड दबदबा, ये देखे यहाँ पर
यहाँ पर चल रहा है भाई, प्रसाद मिल रहा है यहाँ पर, तो प्रसाद लेते हैं बाबा जी का। फिर आगे भाई यहाँ पर आए थे और हमें यहाँ पर मिला प्रसाद, तो ये देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल काजू बादाम बढ़िया करके विदाउट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी राड़ा मचा पड़ रहा है भाई। दोस्तों यहाँ से एक बार फिर निकल चुके हैं डोली आगे को, और फिर पकड़ते हैं भाई डोली को, क्योंकि हम लोग यहाँ थोड़ा प्रसाद ही खाने में देर लग गई, तो अब चलते हैं ठीक है डोली के बाद। हम लोग पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग में और यहीं पर लगाएंगे अपनी स्कूटी, पार्किंग में लगा रहे हैं और यहाँ पर पर्ची कटी है हमारी, तो पार्किंग काफ़ी बड़ी है यहाँ की, आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी सामने से पर्ची कटानी है और यहाँ से आप तो पैदल पैदल ले आएंगे, क्योंकि यहाँ से तो पास ही है, तो आप लोगों को पूरा मजा कराएंगे ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी पार्क कर ली है सोनप्रयाग में, तो यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी है, तो अभी हम लोग यहाँ पर से पर्ची कटाएंगे, तो पर्ची कटाने चलते हैं ठीक है, और देखते हैं कितने रुपये का पर्ची बन रहा है। तो दोस्तों अभी हमने पार्किंग के लिए यहाँ पर पर्ची कटाई, तो 50 रुपये एक दिन का, मतलब 24 घंटे का 50 रुपये है, और बाकी अभी तो हमें 3-4 दिन लगेंगे शायद, तो 50-50 रुपये काउंट होते रहेगा यहाँ पर। तो पर्ची अर्ची रख ली थी मैंने, तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं भाई गौरीकुंडी की ओर, और देखेंगे यहाँ पर यार क्या नज़ारा रहता है। बाकी पीछे से डोली आ रही है, हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि पीछे इतना ज़्यादा रश है ना भाई, और हम आगे नहीं आते तो हमें आगे जगह भी नहीं मिलता। तो गाइस ये चेक करिए भाई, इतनी भीड़ हो रही है, जो यहाँ पर रोज़गार के लिए आ रहे हैं अपना आधार कार्ड चेक कराएंगे यहाँ पर वो लोग, और आधार कार्ड चेक कराएंगे, और यहाँ पर से मतलब जो भी लोग अपने डोली या घोड़े वोड़े लेके आ रहे हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पर है यहाँ पर सिस्टम कि आप इनको वो कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन अपना, और उसके बाद अपना यहाँ पर रोज़गार चला सकते हैं। जैसे ये घोड़े वोड़े लेके आ रहे हैं ना, तो किसके पास कितने घोड़े हैं या कौन किसके पास कितनी डोली है, सब कुछ उसी के लिए दिया। तो यहाँ पर थी लॉकर रूम की व्यवस्था, तो हम लोगों ने यहाँ पर बैग नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर यार हमें अब कुछ पता नहीं है ऊपर कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हमने अपना हेलमेट रख दिया है, क्योंकि ऊपर हमें पता नहीं, क्योंकि यार 3-4 दिन भी लग सकते हैं, और पर डे है यहाँ पर बैग रखने का 100 रुपये चार्ज, तो जो हम लोग नहीं कर सकते हैं बट भाई, तो इसलिए यार ये बैग लेके हम लोग जाएंगे ऊपर। गाइस हमारा केदारनाथ में स्वागत हो चुका है, केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे गौरीकुंड, तो चल रहे हैं दोस्तों आगे की ओर। काफ़ी सारे भाई लोग पानी में मजे ले रहे हैं नीचे नदी में, और यहाँ पर घोड़े खच्चर देख सकते हैं, तो हम तो चल रहे हैं भाई, मज़ा आ रहेगा। दोस्तों जैसे आगे आया हम लोग सोनप्रयाग से, तो यहाँ पर हमें दिखा नज़ारा प्यारा सा, नदी होगा तो नदियों में काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं। बाकी आगे देख सकते हैं आप लोग, ये टैक्सी लगी है, ये आपको यहाँ से गौरीकुंड को छोड़ेगी, तो इन्हीं टैक्सियों में भर भर के जाना पड़ता है भाई गौरीकुंड तक। तो हम लोग तो चल रहे हैं गौरीकुंड की ओर, और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा आ रही है ना गाइस, बिल्कुल हिमालय वाली फीलिंग आ रही है यार, बहुत तगड़ा हो रहा है भाई, मज़ा आ गया सच्ची में, काफ़ी तगड़ा मज़ा आ रहा है भाई। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से गौरीकुंड की ओर, और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी टैक्सी में राड़ा मचा पड़ा है भाई, काफ़ी खचाखच भीड़ हो रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। जैसे हम लोग सोनप्रयाग से आ गया है गाड़ी में, तो यहाँ पर लग गया जाम बहुत भयंकर वाला, तो हम लोगों ने सोचा कि यार पैदल ही आ जाते, क्योंकि यार टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं, तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ लगी है और जाम हुआ पड़ा है बहुत भयंकर वाला। तो पहाड़ों में ऐसे होता है, क्योंकि यार यहाँ पर ना छोटी छोटी रोडें होती है, तो इस वजह से यार दोनों गाड़ियाँ पास नहीं हो पाती, तो चक्कर में जाम लग जाता है भाई। तो भाई लोगों हम लोगों ने ले ली यहाँ पर से लाठी, 100 रुपये की पड़ी हमें, और ये लाठी आगे जाके 100 रुपये की पड़ी। तो भैया आप कहाँ से आए हो? हम नेपाल से। नेपाल से, तो भाई लोग यहाँ के केदारनाथ नेपाल से, देखो भाई लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, यहाँ पर से लाठी वाठी ले लेना भैया जी, ये आपको ट्रैक में बहुत सपोर्ट करेगा ठीक है आगे चलने। तो आप कितने साल से हो गया, तो आपको यहाँ 5 साल से लॉकडाउन से आगे काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन से पहले से कर रहे हो? अच्छा, तो ठीक है भैया, थैंक यू, ओके। चल रहे गाइस आगे की ओर, लाठी वाठी ले गए, बढ़िया करके ट्रैक करेंगे मस्त करके, और काफ़ी राड़ा मचा देंगे ठीक है भाई लोगों, तो पूरा फुल पावर में चलना है, बाकी झोला चिमटा ज़्यादा ही हो गया ना अपने पास, तो यार कुछ भी हो सकता है यार भाई लोगों। नहीं फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड में, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं गौरीकुंड का मंदिर, तो यहां पर काफ़ी सारी भीड़ है, श्रद्धालु लोग आए हैं और बाबा लोग भी बैठे हैं यहां पर साइड पे। दोस्तों ये वही जगह है जहां पर माता पार्वती ने शिव जी भगवान को अपने पति के रूम में पाने के लिए यहां पर 100 साल तक तप किया था,
और यहाँ पर ये भी कहा जाता है दोस्तों, हर कोई भी महिला यहाँ पर तप करती है अपने सच आशिक के लिए या प्रेमी के लिए, तो भाई वो जरूर पूरा होता है भाई। भी महिला अगर तप करेंगी ना भाई, तो सच्ची में माता पार्वती उनके प्रेमी से या उनके सच्चे हम सफर से ज़रूर मिला देगी। यहाँ पर दोस्तों अगर कोई भी महिला ना तप करती है ना, तो उनको ना मनचाहा फल मिलता है भाई। दादाजू पहुँच चुका है भाई यहाँ पर गर्म पानी के कुंड में। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे यात्री नहा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये गर्म पानी का कुंड है और यहाँ पर से एक साइड से पानी आ रहा है और दूसरी साइड से जा रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर नहाने का मन तो कर रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी थोड़ी देर में नहाऊँ, बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है, क्योंकि यार अभी हमें बैग वैग रखना भी है, टेंट वेंट का भी सोर्स करना पड़ेगा यहाँ पर ना, तो बाकी यार ऐसे ही है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चेक करिए भाई, बढ़िया करके नहा रहे हैं लौंडे वोंडे। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु बाबा केदार नाथ भगवान जी के इतने दूर दूर से आए हैं, एमपी से भैया मिले हमें। अच्छा, तो आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। और आप यात्रा भी होंगे अभी? हाँ अभी यात्रा भी है, हम अभी करीब 12 दिन से निकले हुए हैं। अच्छा। हम गए थे अभी आपके कैंची धाम, कैंची धाम के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, देवप्रयाग, घूम ही रहे। तो भैया ऐसे ऐसे भाई लोग मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है यार, जो हमारे मतलब उत्तराखंड आ के एक्सप्लोर करते हैं। और काफ़ी अभी यार हम लोगों ने गौरीकुंड से हमने सोचा कि नदी में नहाएंगे, बट ऐसी नदी में गए भाई, इतनी गंदगी कर रही है, इतनी गंदगी भाई, इसी नदी के ऊपर साइड इतनी गंदगी हो रही है ना, और नीचे कोई नहा रहा है, कोई वह कपड़े धो रहे हैं, ऐसी चीज़ यार ये बहुत बेकार लगा यार मेरे को ना। यहाँ पर सोर्स करके देखा तो वहेंगे, मैं भी गया था पानी में नहाने, पर वहाँ पर तो यार नहा नहीं पाया मैं, और यहाँ इतनी गंदगी मिल गई यार, क्या ही बताऊँ, मूड ही ख़राब हो गया भाई। भैया जी हम लोग ऊपर को आ चुके हैं और यहाँ पर से हमने कर दिया केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट, क्योंकि अभी हमारे क्या कहते हैं नीचे डोली पहुँची है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, तो दोस्तों यार हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा आगे से कर लेते हैं स्टार्ट, तो हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, तो अभी हम चलने लग रहे हैं ऊपर की ओर। और यहाँ से आपका केदारनाथ ओनली 15 किलोमीटर, बट ये 15 किलोमीटर लिखा है, असलियत में शायद 22 किलोमीटर का ट्रैक है, और यहाँ पर सभी लोग का मौज ले रहे हैं भाई। तो भैया जी यहाँ पर हमें अपने भाई लोग मिले, दाई लोग मिले अपने नेपाल से, तो यार यहाँ पर भैया लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों, तो इनका जितना भी बजट होता था इनको दे दिया करो भाई, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर धूप में, और अपने अपने देश से इस देश में आए हैं, तो यार थोड़ा सा आप लोग समझ ही सकते हो ना। तो भैया लोग बाल बच्चे छोड़ के आए ना हम? हाँ बाल बच्चे छोड़ के आए हैं, तो इनकी हेल्प करा करो भाई जितना हो सके आपसे, बाकी भैया लोगों का जितना भी चार्ज होता है उनका पूरा दिया करो, उसमें कटौती मत किया करो, है ना, क्योंकि देखो इनके भी छोटे छोटे बाल बच्चे अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर आ रखे हैं भाई काम धंधे के लिए, तो आप लोगों को भी यार समझना चाहिए। 25,000 रुपये कैश डाल के आ रखे भैया लोग भी, तो यार भैया लोग की हेल्प करना जितनी भी हो पाए आपसे, और बाकी जितना भी अगर आप लोग इनसे सामान ले छुड़वाते हो ऊपर, तो जितना भी इनका बनता है ना भाई पूरा दिया करो। तो भाई लोगों यहाँ पर से गौरीकुंड का गेट है, तो तुम्हारे भाई ने तो कर दिया ट्रैक स्टार्ट, आज आधे रास्ते तक ही जाएंगे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार यहाँ पर ना। मंदाकिनी, तो अंकल ये मंदाकिनी नदी है ना, ये यहाँ पर मंदाकिनी नदी ये सीधा आ रही है भाई हमारे केदारनाथ से। दोस्तों मेरे को आगे जाके थोड़े भैया लोग मिले। भैया जी आप कहाँ से हो? लखीमपुर से। लखीमपुर से, तो आपको ट्रैक करने में मजा आ रहा है? बिल्कुल। और कितने टाइम हो गया आपको मतलब ये निकले हुए वहाँ से लखीमपुर से? कल ही चले हैं। और ये पहाड़ों की वादियों में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो हर हर। तो हम लोगों ने आधा ट्रैक कर लिया है और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ से भाई, बर्फ़ पड़ी है सामने पर कैमरे में दिख नहीं पा रहा है, बर्फ़ पड़ी है पर, तो अभी आधा ट्रैक कर रहे हैं, देखो क्या सीन चल रहा है भाई। तो आप लोगों को केदारनाथ ट्रैक करते करते ना रास्ते में ये मिलेगा भाई भैरव मंदिर, तो भैरव देवता जी के दर्शन करके अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो एंजॉय माय ट्रिप। तो यहाँ पर बाबा जी का मंदिर, जय हो प्रभु। तो दोस्तों ऐसे देख रहे होंगे आप लोग भी, इतने जवान जवान लोग भाई घोड़ों पर चल रहे हैं और इतने बूढ़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं यार। और यहाँ पर आके हमें दिखाई ये ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल, ये
बहुत तेज पानी निकल रहा है पिछले साल। हाँ इस बार तो कमी है यार, बारिश चालू नहीं है इसीलिए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके थे जंगल चट्टी और यहाँ पर हमें भूख लग गई थी क्योंकि हमने लंच नहीं किया था, तो इसलिए मैगी मंगाई है और मैगी यहाँ पर पड़ गया भाई 50 रुपये की मैगी पड़ गई है भाई एक प्लेट। और ऊपर जाएंगे केदारनाथ में तो वहाँ तो 100 रुपये की पड़ेगी, तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पर खा लेते हैं, बाकी ऊपर जो होगा जला जाएगा, देखते हैं भाई जी क्या रहता है गया 300। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नज़ारा, मैगी वैगी खा के हम लोग आगे निकल चुके हैं दोस्तों। अब मैगी वैगी खा ली है ना हमने, अब आफत आएगी बहुत। बाकी यहाँ पर नज़ारा देखो बहुत ही मस्त भाई, मज़ा आ गया। ऊपर से प्यारा सा झरना रहेगा इस, देखो केदार घाटी पे मस्त कर गया। और ट्रैक ये जी यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप लोग, ये ट्रैक्टर जो आ रहा है भाई ये ऊपर मंदिर से आ रहा है, तो इसी में से ऊपर राशन वासन जो भी सामान होता है ना भारी, तो इसमें आता है देखो ये। तो मैं आप लोगों से ये चीज़ भी कहना चाहूँगा भाई, कोई भी ट्रैक करने आ रहा है तो सबसे पहले भारी बैग मत लाना, और दूसरी बात पानी कैरी करने की जरूरत नहीं है भाई, पानी आपको मिलता रहेगा ऐसे यहाँ पर। और बहुत ऊपर तो होने लगी है बारिश, क्या पता यहाँ भी हो जाए, हम तो आधे रास्ते में पहुँचे अभी, क्या पता आधे रास्ते पर अभी रुक सकते हैं हम लोग। बाकी चलते हैं आगे की ओर, एंड जय बाबा केदार जय श्री राम। तो भैया जी यहाँ पर से बह रहा था प्यारा सा झरना, आप लोग देख सकते हैं, तो ये जरा साफ पानी है ना भाई, बिल्कुल एक्वा गार्ड से भी तगड़ा पानी है, पहाड़ों का सीधा आ रही है भाई पहाड़ों से, तो यहाँ पर आप पानी भी पी सकते हो। बाकी ट्रैक में बहुत भीड़ है भाई, ये देख रहे होंगे आप लोग, देख लो गाइज देख लो बहुत। सो गाइज यहाँ पर है भीम मंदिर और यहीं पर भगवान शिव को पहाड़ माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं चल रहे हम लोग आगे की ओर। तो गाइज यहाँ पर भीम भगवान ने अपने पैर खोल लेते हैं, जिसका ये चट्टान है एक ये ठीक है, जब भोलेनाथ जी ने गाय का रूप लिया था तो यार महादेव यार उनके पैर के बीच से जाते नहीं ना, तो इसी वजह से वो उनकी पीठ वहाँ है केदारनाथ में, ऐसे कहा जाता है। चल रहे हैं अभी यार ऊपर को, अभी तो बहुत ट्रैक बचा हमारा। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ भीमबली और रामबाड़ा के बीच में, और यहाँ पर मैं अपना कर रहा हूँ ब्लॉग एंड, क्योंकि यार मेरा ब्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा दोस्तों, आप समझ ही सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से आगे की पूरी स्टोरी आपको जो भी होते रहेगा ना मेरे साथ वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, आशा करता हूँ ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।